अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बड़ी ज़बरदस्त और आसान सी है। घर में दही को कैसे जाग लगाते हैं आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 kg मिल्क लिया है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, तो दूध हमारा जो है वो गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैं 2 tablespoon दही के लूँगी। जो दही मैं यूज़ कर रही हूँ जाग लगाने के लिए, ये भी मैंने घर ही बनाई हुई है। मेरे पास दही जो है वो माशाल्लाह थिक है, तो मैंने 2 tablespoon लिए हैं। आप 3 tablespoon भी ले सकते हैं। 1 kg मिल्क के लिए 2 से 3 tablespoon इनफ होंगे। इसको आप अच्छे से बीटर के साथ मिक्स कर लें। यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है। मैं इसको, आप देखें, मैं इसको चेक कर रही हूँ तो ये मुझे अच्छा खासा जो है वो गर्म महसूस हो रहा है। इसको हम यहाँ पे शामिल करेंगे। इसमें 1 kg मिल्क है और 2 tablespoon दही के हैं। यहाँ पे हम इसको शामिल करते हैं। आपने इसको थोड़ा सा फेंटने वाले अंदाज में ही इसमें शामिल करना है, लेकिन एहतियात के साथ। यहाँ पे 10 से 12 दफ़ा आप इस चम्मच के साथ भी इसको अच्छे तरीके से फेंट लें। दूध वाला जो चम्मच होता है उसके साथ आप इसको फेंट सकते हैं। कुछ लोग दही की थिकनेस के लिए सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल भी करते हैं कि कवर करने से पहले एक सब्ज़ मिर्च उसमें रख दें, उसे दही थिक होगा। लेकिन आप देखिएगा कि बगैर सब्ज़ मिर्च के इंशाल्लाह हमारी दही जो है वो थिक बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसको कवर कर दिया है और अब हम इसको रख देंगे। आप इसके लिए कोई टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये टकोजी यूज़ कर रही हूँ। आप किसी कपड़े में इसको लपेट के इस तरह किसी कैबिन में या किसी ऐसी जगह पे रख दें जो आप बार बार इस्तेमाल ना करें। लेकिन यहाँ पे मैं इसका डोर क्लोज कर रही हूँ। इसको हम 8 से 9 घंटों के बाद चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे 9 घंटे गुजर चुके हैं और इंशाल्लाह हमारा दही बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा दही बिल्कुल तैयार है। आप लोग इस पॉइंट पे इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सर्दियों में ये 8 से 10 घंटे टाइम लेती है और गर्मियों में 5 से 6 घंटे भी इनफ हैं। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।